स्पेशली ये जो बजट इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रेजेंट किया है वहाँ पर बहुत चैलेंजेस फेस करने के सामने से ही प्रेजेंट किया है। बहुत चैलेंजेस हमारा इकोनॉमी फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है, परेशान है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो रहे हैं। अमंग दिस चैलेंजेस ये बजट प्रेजेंट किया हुआ है और इसमें बहुत सारा चीज़ होप के लिए, कॉन्फिडेंशियल के लिए, हमारा ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर में हमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। एग्रीकल्चरल सेक्टर को फोकस किया है, आईटी सेक्टर को फोकस किया है, इवन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी फोकस किया है। हमारा जो कंट्री में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, यंगस्टर्स इस कंट्री छोड़ के दूसरा कंट्री में जा रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो मेनली बिकॉज यहाँ पे हमारा जो कंट्रीज़ में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस तरफ जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो चाहिए वो सारा चीज़ का डेवलपमेंट बहुत कमी था। एनीवे जिस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया है तो यहाँ से हम शुरू कर रहे, ऐसा है कि अभी आने वाले दिनों में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे और अपकमिंग बजट में भी काफ़ी नया पॉलिसीज लेके आएंगे यंग जनरेशन को अकोमोडेट करने के लिए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए और पढ़ाई में भी काफ़ी आगे जाने के लिए। हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज़ में अभी आने वाला बजट भी फोकस करेंगे, तो उसी हिसाब से हम एक्सपेक्टेशन में हैं।